And then I think like, don't worry about anything. Yeah, that's all. Just worry about it. Chill and have fun.
अच्छे हिंदी गाने लगा दे
थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो हम जो कवर शूट, हम एक्चुअली आज फैशनिस्टा मैगजीन के लिए कवर शूट कर रहे हैं. एंड जो कवर शूट हम कर रहे हैं, इट्स अ ब्राइडल सीजन का है, तो हमने बहुत ही यंग, वार्म, फ्रेश लुक देने की कोशिश की है. विक्टर ने स्टाइल किया है, इट्स स्टाइल बाय विक्टर एंड सोहेल. सो वी वॉन्ट कीप वेरी फ्रेश वार्म कलर्स. हमने पीची टोन्स का यूज़ किया है, मिनिमल मेकअप. हम टिपिकल ब्राइड वाले जॉनर में नहीं गए हैं, जो हर एक लड़की का सपना होता है, बट वी वॉन्ट टू गिव अ वेरी यंग ट्विस्ट टू इट. सो वी आर प्लेइंग विथ, हमने खेलने की कोशिश की है कि हम शायद एक फन, एक ईजी पीजी, जो आजकल लॉकडाउन वेडिंग्स चल रही हैं घर पे, तो यू नो आप इजीली इसे अवेलेबल आप अपने लिए बना सकते हो, तो हमने वो मेंटेन किया है. एंड सो या, इट्स वेरी नाइस. ओके, फोटोशूट को कितना एंजॉय कर रही हैं सना? जो फोटोग्राफर है अमित, मैं उनके साथ पहली बार शूट कर रही हूँ. आई ऑलवेज सीन हिज वर्क एंड आई एम वेरी फॉन्ड अबाउट इट. सो आज मेरे उनके साथ एक मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड मैंने उन्हें लिटरली बोला है कि हम कब नेक्स्ट शूट प्लान कर रहे हैं. सो या ओके, ब्यूटी टिप्स क्या कुछ देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? अब बारिश का सीज़न चला गया है, समर्स आने वाले हैं, ठंड आने वाली है एक्चुअली. सो कुछ नहीं, आई मीन ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, अपने आप को हाइड्रेट रखिए. पैंडेमिक चल रहा है तो यू नो सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहनिए, ज़्यादा वक्त ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही बाहर निकलिए, वैक्सीनेशन ले लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो या ओके, जानना चाहूँगी कि इस लुक में आने के लिए कितना टाइम लगा आपको? एक्चुअली इतना जल्दी टाइम नहीं लगा, वी स्टार्टेड, it was done very easily. Like I think 40 minutes with hair and makeup. Okay, okay. So generally ready hone time lagta hai to, but it was very nicely done. Okay, so normally aap kitna time leti hain? Yeah, main generally in a normal life I'm not a makeup person. Main makeup nahi lagati hu, aur jitna bhi main karti hu main bahut hi minimal karti hu, but yeah, I mean ek ghanta to har ladki ko lagta hai. Okay, so khatron ke khiladi season 11 se agar pucha jaye to kya kuch batana chahenge, best memory aap? मेरी बेस्ट मेमोरी तो बहुत सारी रही है, मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं, इन टर्म्स ऑफ आप इंसान में बोल दो या जानवर में बोल दो. तो आई थिंक ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है जो यू नो ये आपको कभी करने नहीं मिलेगा. सो वो एक्सपीरियंस के लिए मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ. ऐसे बहुत से मोमेंट्स आए हैं जो मैंने केप टाउन में इन्जॉय किया है. 12 नए दोस्त बनाए मुझे मिला के 13. सो आई थिंक ये It's a lifetime memories which I want to cherish. Okay, रोहित सर के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? रोहित शेट्टी के साथ आपने किस तरह के टाइम स्पेंड किए और वो जो बॉन्डिंग थी आपकी? यू नो मेरी सर के साथ बॉन्डिंग थोड़ी जैसे एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, मैं थोड़ा ओपन अप होने में टाइम लगता है मुझे. तो आई थिंक बट रोहित सर इज़ अ डार्लिंग, ही इज़ अ डार्लिंग. आई थिंक ही इज़ अ साउथ इंडियन एंड आई वुड लव टू टेल यू ऑल एन शॉर्ट स्टोरी दैट यू नो हम केप टाउन में थे, हमें सुबह ब्रेकफास्ट इंग्लिश मिलता था. यू नो तो जब मुझे मन करता था साउथ इंडियन खाओ, और तो फिर मैं जाके, और हमारे क्रू में एक शेट्टी हो तो आई थिंक मैं उनके पास जाती थी, सर इडली खाने का मन कर रहा आज इडली खिलाओ ना. सो इज सच अ काइंड एंड अ जेनरस मैन दैट यू नो ही मेड श्योर हमें ब्रेकफास्ट इंडियन मिला, इंडियन लंच मिला. सो इन दैट वे मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग. ओके, विच वन इज योर फेवरेट स्टंट? ऑफ कोर्स जिसमें मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, सो आई थिंक दैट्स गोना बी वन ऑफ माय फेवरेट स्टंट. ओके,
ओके, सो इस जर्नी को क्या कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे एक लाइन में? मेरी जर्नी आई थिंक खतरों के खिलाड़ी करके मुझे एक चीज़ अपने आप के बारे में जो पता चला है दैट इरिस्पेक्टिव आप लाइफ में कुछ भी करो, काम रहना बहुत ज़रूरी है, दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक ये चीज़ मैंने खतरों के खिलाड़ी से सीखी है. ओके, सो आपके बारे में र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि बिग बॉस 15 में आप दिखने वाली है, क्या कुछ इस पर बोलेंगे? आई नो कॉमेंट्स ऑन दैट एज ऑफ नाउ बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, बट अगर होगा तो सबको जल्द पता चल जाएगा. अब जल्द क्या मतलब, पता ही चल जाएगा. सो या ओके, एंड लास्टली व्यूअर्स को क्या कुछ बोलना चाहेंगे, मैसेज देना? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कवरिंग अस इन दिस शूट. We have shot for Fashionista magazine and the founder is Osama and Fareen. So yeah. Yeah. So tell us about your experience with Sana. सना के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. हम लोगों ने एकदम से स्टाइलिश जो ब्राइड होती है, मॉडर्न ब्राइड, उस टाइप का लुक दिया है. एंड देख सकते हैं आप कैसे. आई थिंक मैंने इनके जो पहले कवर्स रहे हैं तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे. एंड आई थिंक मैंने जब व्हेन आई केम ऑन बोर्ड आई सेड वी नीड टू चेंज द होल लुक ऑफ द कवर. एंड आई थिंक एक यंग जनरेशन से ये बिलोंग करते हैं, तो यू नो मतलब वी ऑल आर यंग. तो आई थिंक इन्होंने मेरा माइंड सेट बहुत अच्छे से रीड किया एंड इज लाइक कम ऑन लेट्स डू इट. तो जब मैं आई हुई थी, इनकी रेफरेंसिंग कुछ दूसरी थी और मैं आई, मैंने कहा देखो मुझे ऐसे करना. सो ही जस्ट लाइक ओके डन, दिस इज नाइस. सो आई थिंक एक अडेप्टेशन ऑफ न्यू थिंग इज ऑलवेज नाइस, तो चेंज इज ऑलवेज गुड. हाँ, जो मतलब स्टाइलिंग किया है विक्टर ने किया है, काफ़ी अच्छा स्टाइल करके दिया है उनने. एंड सना, आपको इस अवतार में किस तरह से लगी? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं सना. सना का तो मीन्स ही काफ़ी अच्छा है. एंड बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू सना. थैंक यू सना. थैंक यू. वन मोर सना. Sorry. I will hold. Yeah. पहले क्यों नहीं बोला पूरा.